I'm good. Okay, ready? Okay, Chi, what are you talking मुझे जो मेरी टैलेंट मैनेजमेंट वाली है उन्होंने बताया कुछ खाने से रिलेटेड है, तो बड़ा मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा अच्छा खाना मिल जाए मुझे, पकवान मिल जाए, बिकॉज बिग बॉस से निकलने के बाद और बिग बॉस में तो कुछ खाया भी नहीं हूँ. तो अभी जी आज मैं सारी कसर निकाल दूँगी अपनी. देखिए मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सिर्फ नवाबी खाने बनाए जाते हैं, तो मुझे नवाबी फूड्स पसंद हैं और महाराष्ट्रियन भी बहुत पसंद है मुझे. तो जैसे अगर आप किसी के साथ डेट पे जाओगे तो आप उसके लिए क्या ऑर्डर करोगे? मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली. मैं सबसे पहले मैं सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करूँगी, उससे कहूँगी कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको जो खाना है वो तुम खा सकते हो. अगर उसने अपनी मर्ज़ी से आपके लिए ऑर्डर किया मुझे पसंद आया तो खाऊंगी, नहीं आया तो कहूँगी आपको बिल देना है, आपको मुबारक हो. नहीं मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं. हाँ कभी ईद के वक्त शीर खुरमा खा लेती हूँ, वही मेरा फेवरेट है, बस उसके अलावा कुछ नहीं. ओके, इतना कुछ खा के डाइट कैसे मेंटेन कर पाती है? मैं नहीं खाती, मैंने आपको बोला कि बिग बॉस के बाद शायद ही बहुत ऐसा रूटीन बन गया हमारा कि हम मुश्किल से दो चपाती भी खा ले तो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज वहाँ पर ऐसा खाना और ऐसा रूटीन दिया गया था कि भाई इतना इतना ही खाना, इतना ही राशन रहेगा, ऐसा रहेगा, तो अब वही हो गया लाइफ में. फुल्ली चेंज. हाँ बिल्कुल, जैसे पहले लाइफ थी कि कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि भाई आवाम तो ऑल टाइम देखती है और बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, वरना पहले कुछ भी कर लिया करते थे, लेकिन अब ये है कि अर्शी ऐसा नहीं करना, अर्शी वैसा नहीं करना. तो सवाल है आपसे, आप क्या मांगती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्टिंग का कितना एग्जिट करता है? ये तो खाने का शो है, आई एम सो सॉरी, इसमें ये सवाल कहाँ से. आप कितना मानती हैं कि एग्जिट करता है बॉलीवुड में? है अभी नहीं, मुझे नहीं लगता. देखिए मैं आपको सच बोलूं तो मुझे आज एक लड़की ने सवाल पूछा था कि क्या मैम बिग बॉस के अंदर भी ऐसा होता है क्या? एक पाकिस्तानी लड़की ने सवाल पूछा क्या ये एक पाक शो है, तो मैंने कहा जिसके होस्ट होंगे सलमान वो पाक शो ही होगा. और वाकई में मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा इंडस्ट्री में जो अंदर के हैं, जो अंदर से काम करते हैं, जो बेस्ट हैं, उनके तरफ से कभी ऐसा कुछ डिमांड हमने नहीं देखा है बिल्कुल भी. बाहर के जो रहते हैं, देखो बाहर तो कोई कुछ भी कर सकता है, जो खुद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनकर बैठ जाते हैं. ओके, मुलाकात हुई आपकी सलमान के साथ में? मैं अभी उनसे बोल ही रही थी कि मुझे एक्चुअली सलमान अबू धाबी चले गए थे, फिर इंशाल्लाह कल मैं बोलूँगी, मुझे मीटिंग करनी है उनसे. थैंक यू. मैंने आपने किया था? थैंक यू. थैंक यू.